तो ये है मेरे पास अभी यहाँ की पानी पूरी। तो ये हमारे पास आ गया है दाबेल। तो ये हमारा तैयार हो गया है मसाला डोसा। ये सूरत और गुजरात वगैरह में मिलता है, मुंबई मिलता है। ये मिल गया हमें हमारा वड़ा पाव। वेलकम टू माई YouTube चैनल राहुल पांडे ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग में मैं हूँ मुंबई में और मेरे पीछे खड़ी है ये मुंबई की लोकल। मैं अभी हूँ टिटवाला स्टेशन पे और यहाँ से मैं जाऊंगा घाटकोपर खाऊगली में। घाटकोपर खाऊगली में आज हम मुंबई स्ट्रीट फूड को ट्राई करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फूड्स मिलते हैं जो कि बहुत ही मतलब लजीज होते हैं। दिल्ली का तो हमने ट्राई कर लिया था, एक बार हम मुंबई के फूड पे गौर करेंगे। तो अभी पकड़ी हमने स्लो ट्रेन क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, तकरीबन 10 से 12 स्टेशन जाने हैं। तो थोड़े से अभी सिनेमैटिक आप देख लीजिए और सिनेमैटिक खत्म होते ही मैं पहुंच जाऊंगा घाटकोपर खाऊगली। तो अभी स्टेशन से 10 मिनट का वॉक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं खाऊगली। और खाऊगली में हम आज जितने भी मतलब स्ट्रीट फूड है उनमें से कुछ मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा कैसा होता है मुंबई का स्ट्रीट फूड, और उसके बाद हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे कौन सा लगा। अभी एक एक करके ट्राई करते हैं। तो ये है मेरे पास अभी यहाँ की पानी पूरी। इसमें अलग अलग तरीके के पानी है। इसमें कौन सा पानी है? हाजमा हजम। हाजमा हजम, तो ये ट्राई करके हम देखते हैं। ये भैया ने दूसरा पानी दिया, ये कौन सा भैया? रेगुलर। ये दूसरा वाला है हमारे पास रेगुलर पानी का। ये कौन सा भैया? ये लहसुन। ये तीसरा जो है हमारे पास पानी पूरी, ये है इसमें लहसुन का फ्लेवर। तो ये है हमारे पास अब पुदीने वाला फ्लेवर। लोग कभी भी मुंबई आओ तो यार घाटकोपर की खाऊगली आना बिल्कुल मत भूलो। दिल्ली के स्ट्रीट फूड भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है लेकिन एक बार यहाँ पे ट्राई करोगे तो थोड़ा सा आपका मन बदल सकता है, क्योंकि मेरा तो यार बिल्कुल बदल गया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू है। राजू जी हमें बताएंगे अभी खाऊगली के बारे में कुछ, मतलब कितने साल से ये लगता है यहाँ पे? ये होगा सर कम से कम 40 साल। 40 साल से? और मतलब यहाँ पे हर वेरायटी के फूड आप यहाँ पे मिल जाएंगे? आपको पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी, पास्ता है, दही पूरी है, सेव पूरी है, सैंडविच है, अच्छा ये कितने बजे ओपन हो जाता है? 4 बजे। 4 बजे शाम को ओपन होता है और कितने बजे तक रहता है? रात को 12 बजे तक रहता है। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी पानी पूरी ट्राई करने के बाद हम ट्राई करेंगे दाबेली, और ये 20 रुपीज का है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। ये हमारे पास आ गया है दाबेली। इसमें भैया ने बहुत सारे चीजें डाल दी हैं, जैसे कि ये सेंगदाना हो गया अपना, सेव हो गया, ये पाव यहाँ का मुंबई का पाव लगा हुआ है इसमें, और कांदा भी है। इसके अंदर क्या चीज डालते हो भैया आप? आलू का मसाला रहेगा। अच्छा, इसके अंदर ये आलू का मसाला डालते हैं। कोर्च मिर्च है, सेव है, धाड़म है। धाड़म है, धाड़म क्या चीज होता है? अनार होता है। अंगूर है। अच्छा, काला वाइट। अच्छा, पाइनएप्पल है। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब मिक्स करके उसके बाद ये पाव के अंदर आप लगा देते हैं। उसके बाद ये ऊपर से बटर है, उसके बाद सेव है, और ये मूंगफली का दाना है, कांदा है, चटनी है, ये सारी चीजें लगा के आप इसमें मतलब दे देते हैं। अभी हम इसको जरा खा के देखते हैं कैसा लगता है ये। ये दाबेली मैंने पहली बार ट्राई किया, बहुत ही ज्यादा यम है ये। आप लोग घाटकोपर खाऊगली में आओगे तो ये जरूर ट्राई करना, और बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही अच्छा होता है यार। अभी हम इसको पूरा फिनिश करके जब अगले फूड की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि यार अगला फूड क्या ट्राई करने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ की पानी पूरी ट्राई की और दाबेली ट्राई की, अभी देखते हैं आगे हमें और क्या ट्राई करने को मिलता है। बटर को भैया ने फैला दिया है रवा के ऊपर, और इसके ऊपर अभी सारा जो भी सब्जी वगैरह होगी वो सारी डालेंगे। और दे
देखने में ना गाइस बहुत ही ज्यादा यम लग रहा है, मतलब खाने में अभी मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में भी मैंने ट्राई किया ये सारे फूड, मतलब वो ज्यादा मेरे को एकदम स्वाद नहीं आता साउथ वाला। तो ये हमारा तैयार हो गया है मसाला डोसा, और भैया ने इतने अच्छे से सर्व किया ना इसको काट के, और इसके साथ हरी चटनी और नारियल वाली चटनी भी है। देखने में यार गाइस इतना अच्छा लग रहा है ना ये। मैंने जिंदगी में बहुत सारा डोसा खाया यार, लेकिन ऐसा डोसा मैंने पहली बार खाया है, बहुत ही यम है। लोग जरूर आओ खाओ गली, और भाई के दुकान से डोसा खाओ, और मात्र 80 रुपीज का है ये। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है आइटम नंबर 3। सबसे पहले हमने खाया था पानी पूरी, उसके बाद हमने दावेली खाया था, और उसके बाद हमने अभी डोसा खाया था। ये 3 आइटम खाने के बाद ऐसे ही लग रहा है यार पेट तो एकदम फटने वाला है, लेकिन अभी देखते हैं यार एक आध चीज और मैं अभी ट्राई करूंगा, देखते हैं जब तक पेट में जगह है ट्राई करते रहेंगे। अभी यार जिस दुकान पे मैं गया था ना उस पे ना अपना वही दिल्ली वाला आइटम ही मिल रहा था, लेकिन यार वो मैं ट्राई नहीं करना चाहता था, क्योंकि यार पनीर और रोल और ये सारा खा के ना अपन थक गए। तो अभी हम मुंबई वाली कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं यार, जो मुंबई में मिलती हो और कहीं नहीं मिलती हो, तो वो चीजें हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है यार कि एक भाऊ का वड़ा पाव बहुत ज्यादा फेमस है, वो मेरे ख्याल से वेस्ट में है, अभी वहाँ जाऊंगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ईस्ट में हूँ मैं, तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ जो भी मिलेगा। अभी हम ट्राई करने वाले हैं मुंबई का फेमस श्रीखंड, जो कि यार दिल्ली में यार ढूंढने से मिलता नहीं यार कहीं, ये सूरत और गुजरात वगैरह में मिलता है, मुंबई मिलता है। और बाकी अभी हम ट्राई करके आपको बताएंगे कैसा टेस्ट होता है इसका। ये हमने 100 ग्राम लिया हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा श्रीखंड, और ये अलग अलग फ्लेवर में भी आता है। ये बटर स्कॉच वाला मैंने फ्लेवर लिया हुआ है, अभी देखते हैं कि अगला फूड हमारा क्या होने वाला है। जब तक पेट में जगह है खाते रहेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पेट फट ना जाए यार, लेकिन अभी तलाश जारी है। अभी मैं जहाँ खाऊ गली में गया था वो था ईस्ट वाला पार्ट, अभी मैं आ गया हूँ वेस्ट में, और घाटकोपर वेस्ट में एक बहुत ही मतलब वड़ा पाव की बहुत ही फेमस दुकान है भाऊ वड़ा पाव। अभी मैं उसको ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कि यार वो कैसा होता है। मेरे हिसाब से तो यार बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, लेकिन मैं आपको एक बार वीडियो में दिखाना चाहता हूँ यार, मतलब मुंबई आओ तो वड़ा पाव तो मुंबई की जान है। ये हमें मिल गई है 20 रुपए की पर्ची, 20 रुपए का एक वड़ा पाव है। अभी हम लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये मिल गया हमें हमारा वड़ा पाव, तो ये है फेमस भाव का वड़ा पाव। पाव देखो इसका बहुत ज्यादा ही बड़ा है कुछ नॉर्मल वड़ा पाव से, और इसके अंदर ये है हमारा वड़ा, और इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना एकदम कमाल की होती है। इसके अंदर ये सूखी चटनी लगाते हैं, सूखी मिर्च की चटनी होती है, और इसमें ये कांदा लगाया हुआ है, और नॉर्मल चटनी भी इसके अंदर लगाते हैं, और ये अलग से आप यहाँ पे लाल वाली सॉस ले सकते हो, हरी वाली सॉस ले सकते हो। खाने में काफी मजा आता है यार इसको। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो यार लाइन लगती है, यहाँ पे आप पर्ची कटाइए, और उसके बाद यहाँ पे ये देखो इस तरह की ऐसे भीड़ होती है, और यहाँ पे अपना स्लिप दीजिए, और उसके बाद आप वड़ा पाव लेके एंजॉय कीजिए। फिर आप लोग जब भी मुंबई आओ ना बिना भाव का वड़ा पाव खाए बिल्कुल मत जाना, बहुत ही टेस्टी होता है यार ये। हर चीज मिस कर दो चल जाएगा, लेकिन ये वड़ा पाव बिल्कुल मत मिस करना, बहुत ही अमेजिंग। भाव का वड़ा पाव खा के एकदम बहुत ज्यादा मेरे को मजा आ गया यार यहाँ पे, और जो मैंने 5-6 चीजें ट्राई की थी उसमें सबसे अच्छा यार मेरे को भाव का वड़ा पाव ही लगा। 20 रुपए का एक वड़ा पाव है। आप लोग जब घाटकोपर आओ तो यार भाव का वड़ा पाव एकदम खा के जरूर जाना। अभी 5-6 आइटम खा के यार मेरा पेट यार एकदम भर चुका है, तो अभी और ज्यादा चीजें मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ। अभी यहाँ से हम चलेंगे ट्रेन पकड़ के अपने घर। तो आज की वीडियो में यार बस इतना ही था, वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी तो यार लाइक करके चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.